ये है हस्तनापुर की पावन धरती। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना है। ये नहर है भैया, हस्तनापुर की नहर है। ये बोला जाता है इसमें 4-5 हाथी 10 हाथी आराम से ऊपर नीचे खड़ा करते हैं। नहर में बहुत बड़ी नहर है, इसको मध्य गंगा के नाम से भी जानते हैं। अभी अष्टापद आएगा, ये देखो ये है अष्टापद। बहुत अच्छा व्यू है, ये अष्टापद का ये गेट है, अष्टापद का गेट है और पीछे अष्टापद है। ये रास्ता कर्ण मंदिर की ओर जा रहा है, वो सामने दूर चमक रहा है, वो कर्ण मंदिर है। जैनियों का बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ है। देख अभी एक्सीडेंट होता उसका यार, ये देख के नहीं चलाते बंदे बिल्कुल भी। क्या हुआ था? मैं ऐसे मत मोटे करो, लगी तो नहीं है। एकदम रास्ते में मोड़ी देख के नहीं मोड़ी उसने। चलो कोई बात नहीं। आजकल हर आदमी को जल्दी है भैया, तभी ये सोचते हैं हम सबसे पहले जाएं। पता नहीं घर जाने की तैयारी है ऊपर जाने की। धीरे चलो, सेफ चलो। रुक जा, मुझे ताक दे। ओहो, अरे ये कहाँ बाट दी तूने? लग तो हो गया ठीक, लेकिन निकाल। चल फंस गए। ओ भाई यार, चल यार, कर भी जाते हैं। चल जैसे निकाल। निकलेगी। वो भाई आ रहा, चल। गंगा पार जाना पड़ेगा ना, नहीं जा पाएगी गाड़ी। बिजनौर से घूम कर आना पड़ेगा या फिर इधर से गढ़ से निकल कर आना पड़ेगा। गढ़ का रास्ता है आपको? यहाँ से नहीं है, बस इधर से ये किठोड़ से निकल के मवाना जाना पड़ेगा, फिर किठोड़ से फिर गढ़, और गढ़ से फिर आओगे ऐसे घूम के। पानी भरा हुआ है, गाड़ी निकल नहीं सकती बिल्कुल भी। ये वापस ले जाएंगे अपनी गाड़ी, मोटरसाइकिल ही निकल सकती है केवल। ओह माय गॉड, खेत हुआ करते थे लोगों के, खेत थे ये भैया। मुंजी पूरी थी इनमें। गंगा जी ने भी अपना प्रकोप दिखाई दिया, सब पहाड़ बना दी, सब फसल थी इनमें, फसल बिल्कुल नाश कर दिया, फसल खत्म हो चुकी है बिल्कुल। बेचारे गरीब लोग क्या खाएंगे। कितनी पकड़ ली अभी? तैयारी चल रही है पकड़ने की, फसल तो खत्म होगी बिल्कुल है। अब तो मछली सारा तो यही बची है, आगे तक चली जाएगी बाइक नहीं, खाने के लिए है। लॉन्ग में आ रहे हैं वो।
सड़क तोड़ दी पानी ने, पानी का बहाव, जल का बहाव इतना कड़ा है कि सड़क ही तोड़ दी। क्या हिसाब है यहाँ का, जल ही जल, ये देख लो हिसाब यहाँ का। अब मतलब बिजनौर वाले रास्ते से ये रास्ता बंद हो गया, मतलब गंगा जी ने सारी सड़क तोड़ दी। ये तो अब तो थोड़ा शांत था माहौल यहाँ का ना, यहाँ से कम 1.5-2 किलोमीटर के पीछे तक सारा रोड पानी पानी से भरा हुआ था ये। अच्छा जी, हाँ 14-15 अगस्त को आए थे हम, हाँ सब सारा पानी पानी था, सब चारों तरफ यहाँ से। तो पुल तो हो गया, टूट गया पुल भी? पुल तो है, पुल तो काफी ऊपर है थोड़ा। हाँ तो ये नाव से पार करने होंगे फिर कैसे? क्या गंगा जी का पानी है सब? हाँ सब गंगा जी का पानी है सारा, ये नाव से पार कर रहे होंगे अब तो पुल को से। नाव तो जो उधर की तरफ से बनता है जहाँ से वहाँ से मिले मुड़े से, गांव से, गांव के अंदर से, गांव के अंदर से जा रहा है, वहाँ से राइट हैंड पे से रास्ता जा रहा है की तरफ ना, खेता वाले की तरफ ना। ठीक उधर की तरफ से जो वो पुल बनाते थे, वो जो कैप्सूल से नहीं रहते वो ब्रिज बनाते थे वहाँ से, लेकिन उधर सारा पानी पानी भरा हुआ है वहाँ से, तो जाना नामुमकिन है बिल्कुल। भाई मस्ती आ रही है पूरी, सही है अगर आप भी ये तो गंगा मैया और भोलेनाथ शिव जी महाराज के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय, जय हिंद, जय सियाराम।